हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। तो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं। आज मैं सुबह सुबह बनाई थी आलू के पराठे, जिसकी रेसिपी आप सभी के साथ मैं बहुत बार शेयर की हूँ, इसीलिए आज नहीं की। उसके बाद मैंने नींबू पानी पिया और नींबू पानी पीने के 10 मिनट बाद यहाँ पर मैं आ गई हूँ योगा करने के लिए। आज है गुरुवार, तो आज के दिन होता है मेरा सल्ट फ्री डे, लेकिन फ़िलहाल अभी मेरा व्रत चल रहा है, तो इसीलिए व्रत वाले दिन मैं चाय और पानी लेती हूँ। मतलब चाय एक से दो बार लेती हूँ, गुड़ वाली। लेकिन अगर सल्ट फ्री डे जिस दिन रहता है, जिस दिन की सिर्फ नमक छोड़ना रहता है, तो उस दिन तो मैं फ्रूट्स खा लिया करती हूँ। अब बिना नमक का जो भी खाना रहता है खाती हूँ। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गुड़ ज़्यादा यूज़ करती हूँ या फिर मीठे का ज़्यादा यूज़ करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। ना मैं मीठा ज़्यादा यूज़ करती हूँ और नमक तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ। थोड़ा बहुत बस जो चाय पी उसी में मैं गुड़ मिलाकर पीती हूँ, वरना फिर और कुछ भी नहीं। तो आज तो मेरा व्रत है, तो चाय पानी पी लूँगी, उसके बाद फिर पूजा करूँगी और शाम को पूजा करने के बाद फिर रात में कुछ जो मन किया तो बनाकर खाई, वरना फिर फ्रूट खाकर सो जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ थायराइड स्पेशल योगा। वैसे थायराइड के लिए तो बहुत सारे योगासन हैं, लेकिन जो जो मैं आप सभी को दिखा रही हूँ, इन सभी को अगर आप करेंगी ना रेगुलर में, तो आपका थायराइड क्योर हो जाएगा। यहाँ पर अभी मैं कर रही थी सिंहासन, इससे पहले मैं की थी कपालभाति, उज्जायी और फिर अपने गर्दन वाले डबल चिन वाली जो प्रॉब्लम होती है, साथ में थायराइड वाली प्रॉब्लम उससे दूर होती है, जो कि मैंने फर्स्ट में स्टार्टिंग में किया था। अभी यहाँ पर मैं ये जो कर रही हूँ, इससे हमारा डबल चिन का प्रॉब्लम तो ख़त्म होता ही है, साथ में हमारा थायराइड भी कंट्रोल रहता है। तो इसीलिए किसी भी चीज़ को आप करती हैं, जैसे कि रनिंग हुआ, साइकिलिंग हुआ, एक्सरसाइज हुआ या फिर जिम हुआ, आप एक दिन का ब्रेक लें, लेकिन सप्ते में कम से कम 6 दिन ज़रूर करने की कोशिश करें। और अगर मन नहीं लगता है, जैसे किसी चीज़ को करने में बोर हो गए हैं, तो कुछ दूसरा कर लें, लेकिन हमेशा करते रहें। आजकल इतने स्ट्रेस भरे लाइफ में अगर आप सुकून से जीना चाहते हैं, तो आपको योग का, एक्सरसाइज का, डाइट का सहारा लेना ही लेना होगा। एक चीज़ और मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि योगा, एक्सरसाइज, जिम, साइकिलिंग, रनिंग तभी काम आएगा, तभी आपको काम देगा, जब आपकी डाइट अच्छी होगी। जब तक आपकी डाइट अच्छी नहीं है, तब तक वो सब भी काम नहीं करता है। इसीलिए सबसे पहले आप अपने डाइट को सुधारें। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप सिर्फ सैलेड और फ्रूट पर रहिए, बिल्कुल भी नहीं। आप घर का हेल्दी बना खाना खाइए। किस तरीके से खाना है वो तो मैं रोज़ अपने वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, यानी कि हर एक निवाले को 32 बार चबाकर खाना है। खाते समय पानी बिल्कुल नहीं पीना है, खाने के 1 घंटे बाद ग्रीन टी पीना है, उसके आधे घंटे बाद पानी पीना है, और अपने बॉडी को कम से कम 40 दिन का समय तो देना ही देना है। हाँ, बहुत किसी का बहुत जल्दी हो जाता है, मैंने खुद 32 बार के साथ योगा किया था, थोड़ा बहुत, और वॉक किया करती थी, फिर भी मुझे बहुत जल्दी इफ़ेक्ट पड़ा था और 7 दिन में ही मुझे मालूम चल गया था कि मेरा वेट लॉस हो रहा है, इंचेस लॉस हो रहे हैं, खास करके मेरे इंचेस बहुत ज़्यादा लॉस हुए थे। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई है, करते हैं काम। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। आज गुड मॉर्निंग नहीं, आज गुड इवनिंग, क्योंकि सुबह से बहुत ही ज़्यादा बिजी थी मैं। पहले मैं कहीं जाने वाली थी, उसके बाद हमारे घर में बहुत सारे मेहमान आ गए थे, तो फिर वो लोग गए, फिर उसके बाद खाना पीना हुआ, कुछ लोग खाना खा कर गए। अभी टाइम हो रहा है, शाम के बज रहे हैं 5:30। अभी जाकर मैं सारा काम काज करके मतलब हुई हूँ थोड़ा सा फ्री। अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए शाम का, क्योंकि आप देख सकते हैं शाम हो चुकी है और आज है मेरा सल्ट फ्री डे, साईं बाबा का पूजा, यानी कि आज गुरुवार है, तो समझ लीजिए मेरा सल्ट फ्री डे ही रहता है। तो सल्ट फ्री डे के बारे में बहुत सारे आप सभी के सवाल हैं, मैं सबका जवाब दूँगी, लेकिन उससे पहले मैं खाना बना लेती हूँ रात के लिए,
पूजा कर लेती हूँ, फिर आराम से बैठकर आप सभी के साथ मैं शेयर करूँगी आपके सारे सवालों का जवाब। मैं कोशिश करूँगी कि आप सभी को मैं रिप्लाई कर सकूँ, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी ना, तो फिर ना तो मेरा खाना बनेगा और फिर बच्चे फिर भूखे रह जाते हैं ना, पूजा करते करते टाइम हो जाता है। तो यहाँ पर मैं डालकर, यहाँ पर चना मेरा बॉईल हो चुका है, चने की दाल बनेगी, पराठे बनेंगे, यानी रोटी पराठे जो हुए तो वो बनेगी। तो सबसे पहले बना लेते हैं, उसके बाद फिर आप सभी से बातें करते हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? मिनी रोज तो इसमें बड़ा सा बैठा होगा, धुलाएगा ना। तो यहाँ पर बाप बेटी मिलकर चाइनीज रोज तोड़ रहे हैं, मिनी रोज, क्योंकि शाम होने वाली थी तो शाम में फिर फ्लावर नहीं तोड़ सकते ना, पेड़ को बोलते हैं नहीं छेड़छाड़ करनी चाहिए, तो इसीलिए पहले ही तोड़ ले रहे हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर बना दी हूँ उन लोगों का खाना, चने की दाल और साथ ही रोटियाँ, और साथ के साथ चाय भी बना देती हूँ। मैं सारा काम कर लेती हूँ, निपटा लेती हूँ, क्योंकि मुझे पूजा करते समय कोई भी डिस्टर्ब ना करे, जिसको जो लेकर खाना हो वो खा सके। और बेटे का आज कैंप रहता है, तो फिर वो आने के बाद बहुत तेज़ उसे भूख लगी हुई रहती है, बना हुआ रहता है तो वो खा लेता है। उसके बाद फिर मैं नहाकर आ गई हूँ यहाँ पर पूजा करने की तैयारी में, और आप देख सकते हैं टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, लगभग 6:30 बज गया है। तो यही सब चल रही थी। तो पूजा करने से पहले सिंदूर बिंदी लगा लेते हैं, उसके बाद फिर साईं बाबा का पूजा कर लेते हैं। और हाँ, कमेंट आ रहे थे कि आप सल्ट फ्री डे में व्रत वाला नहीं, ऐसे कर दिखाइए कि आप कैसे करते हैं। तो डियर, आप लोग प्लीज़ रिक्वेस्ट है, एक बार आप हमारी पिछली वीडियोस को देखा करें। मैं पहले सल्ट फ्री डे ही करती थी, व्रत तो मैं अभी मेरे ख्याल से 2 महीने से स्टार्ट की हूँ। पहले मंगलवार का व्रत हुआ करता था और अभी गुरुवार का व्रत होता है, क्योंकि इस तरीके से ना मैं रेगुलर रहती हूँ, रेगुलर कर पाती हूँ, क्योंकि एक व्रत वाला जो होता है ना कि वो करना ही करना है। और अगर सल्ट फ्री वाला होता है ना, तो जब आप अपना वेट कम कर लेते हैं ना, तो फिर थोड़े से आलसी हो जाते हैं, लगता है कि चलो करेंगे नेक्स्ट बार करेंगे। तो मेरे साथ भी ना यही प्रॉब्लम हो रहा था, जिसके वजह से मैं नहीं कर पा रही थी, मतलब सोचती थी नेक्स्ट बार करूँगी, नेक्स्ट बार भी नहीं कर पा रही थी, फिर उसके नेक्स्ट बार, यानी 15 से 20 दिन हो जा रहे थे, 21 दिन। तो इसीलिए फिर मैं इस तरीके से अपनाई कि नहीं, अब मुझे कोई ना कोई व्रत करते रहना है। लेकिन जो लोग व्रत नहीं कर सकते हैं, तो डियर मेरे पुराने वीडियोस को आप जाकर एक बार चेक करें, अगर आप बोलेंगे तो मैं इस वीडियो में ही उस वीडियो का लिंक डाल दूंगी, आप लोग एक बार जाकर देखिएगा कि सल्ट फ्री डे वाले दिन मैं कैसे अपना प्रॉपर तरीके से सल्ट फ्री करती थी, बिना नमक वाली। फ्रूट का ज़्यादा यूज़ करती थी सुबह के टाइम में, दोपहर के टाइम में बेसन का चीला दही ले लिया करती थी सैलेड के साथ, बिना नमक वाली, और फिर ग्रीन टी पीती थी, पानी बहुत ज़्यादा पिया करती थी, और फिर रात में थोड़ा बहुत वही फ्रूट ले लेती थी। ये था मेरा सल्ट फ्री डे का करने का तरीका। अभी मैं व्रत कर करती हूँ, तो अभी तो आप लोग देख ही रहे हैं कि किस तरीके से करती हूँ। एक और कमेंट आते हैं आजकल कि आप प्लीज़ अपने बॉडी को मेज़र कर दिखाएं दीदी, देखना है। पहले तो वेट को लेकर आता था, अभी मेजरमेंट को भी लेकर आता है। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ डियर, मैं तो अपने बॉडी को मेज़र कर दिखा दूँगी, लेकिन फिर फ़ायदा क्या होगा आपको? आप हमारी बातों से मोटिवेट नहीं हो पा रही हैं, आप हमारे पिक को देखकर मोटिवेट नहीं हो पा रही हैं। तो आपको क्या लगता है, मैं मेज़र कर दिखाऊंगी तो आप मोटिवेट हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपनी बॉडी को मेज़र कीजिए, 32 बार करना स्टार्ट कीजिए, एक्सरसाइज करिए, 32 बार के जितने हैं रूल्स उसे फॉलो कीजिए, उसके बाद फिर आप अपने आप को मेज़र कीजिए, उससे आपको खुशी होगी। मेरे मेज़र करने से आपको कुछ भी खुशी नहीं होगी, आप इस चीज़ का यकीन मानिए। मैं पिक्स इसलिए लगाती हूँ कि आप लोग उस चीज़ से मोटिवेट होंगे। मेरी आफ्टर बिफोर की पिक आप देखकर बहुत सारे लोग मोटिवेट हुए, और बहुत सारे लोगों ने अपना वेट भी कम किया। आप लोग अगर कमेंट पढ़ते होंगे तो मालूम चलता होगा कि कितने लोगों ने किया है। तो इसीलिए मैं तो कर दिखा दूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपना बॉडी मेजर करिए कि आपने 1 महीने में कितना कम किया, वेट लॉस किया या फिर इंचेस लॉस किए या फिर दोनों चीज़ लॉस किए। मुझे जितना करना चाहिए था डियर, मैं तो उतना
उससे भी ज़्यादा कम कर ली थी अपने वेट को। अभी तो मैं अपना वेट गेन कर रही हूँ क्योंकि आप लोग, आपके साथ मेरे घर वाले, मम्मी, सासू माँ सारे लोग बोलने लगे थे कि बहुत पतली दिख रही हो, अच्छी नहीं लग रही हो, जिसके वजह से ही मैंने अपना इंटरमिटेंट फास्टिंग को छोड़ रखा है। जैसे ही मुझे लगेगी कि नहीं अब मुझे इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहिए तो मैं फिर से करना स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अपने वेट को कम कैसे करना है। मुझे ये चीज़ मैं जान चुकी हूँ, मैंने 2 बार अपना वेट लॉस किया है। तो सॉरी डियर अगर किसी को बुरा लगा हो, मैं बुरा लगने के भाव से नहीं बोली थी, बस मैं आप सभी को समझाना चाह रही थी। तो चलिए, साईं बाबा का पूजा हो गया है, प्रसाद खा लीजिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। बाय बाय।